कोरोना महामारी की सीधी असर नवरात्रि पर्व पर भी लगते हुए फूल बाजार में मंदी का माहौल छाया है, जहां इस वर्ष अधिकतम मंदिर बंद हालत में होने के कारण फूलों के व्यापारी काफी चिंतित बने हैं। कोरोना वायरस की महामारी ने इस वर्ष हर एक त्योहारों को ग्रहण लगाने के साथ धंधा व्यापार रोजगार को भी ठप कर दिया है, जिसके साथ व्यापारी भी अब अपने धंधा व्यापार रोजगार को लेकर हताश और मायूस बने हैं। इस वर्ष कोरोना वायरस की महामारी का ग्रहण नवरात्रि पर्व को भी लगा है, जहां राज्य सरकार द्वारा गरबा को प्रतिबंध रखने के साथ अधिकतम मंदिर भी मंदिर संस्थान द्वारा बंद रखे गए हैं, जिसकी सीधी असर फूल बाजार के व्यापारियों को हो रही है। हर वर्ष होते फूलों के व्यापार में इस वर्ष सिर्फ 25% जितना ही व्यापार होने का व्यापारी बता रहे हैं। जहां महंगे दामों में बिकते फूल भी इस वर्ष कम दाम में बिकने के बावजूद चाहिए वैसे ग्राहकों की भीड़ नहीं बन रही। जहां खंडेराव मार्केट स्थित आया हुआ फूलों का बाजार कोरोना वायरस की महामारी के कारण इस वर्ष खाली खम और सूना बनते हुए व्यापारी काफी चिंतित बने हैं। आज नवरात्रि पहला दिवस मार्केट खूब मंदी में है, कोरोना ना अभाव बहुत है, लोग बीकने मारे बाहर निकलता नहीं। जे गया वर्षे सारो धंधो तो सारू फूल ने आवक ने बधु व्यवस्थित माताजी मंदिरों खुला था, ए रीतना सारू हतु। आ वक्त मंदिरों पण बंद छे, मंदिर बंदना अभाव थी आज मार्केट में बहु खूब मंदी पड़ी है। फूल बधा तमे जोई रह्या छो मार्केट में एवा एवा पड़िया छे, जे धंधो थवो जोईए व्यवस्थित थयो नथी। कोरोना ने अभाव थी आज मार्केट में बहु असर थी है, एना मंदिर ने बहु खूब असर थी है, खेडूतों ने बहु नुकसान थयु।